Today, in this class, we will discuss Rankine cycle. इस क्लास में हम लोग देखेंगे रंकायन साइकिल क्या होता है, रंकायन साइकिल का ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसका वर्कडन क्या होता है, इफिशेंसी क्या होता है, पीवी डायग्राम क्या होता है और टीएस डायग्राम क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग आज रंकायन साइकिल में डिस्कस करेंगे इस क्लास के थ्रू। तो यहाँ पे है रंकायन साइकिल इज ए बेसिक ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ऑल वेयर वर्किंग फ्लूइड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स फेज। फेज का मतलब क्या हो गया, किसी भी वर्किंग फ्लूइड का फेज क्या होता है, सॉलिड लिक्विड वेपर, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड वाइस वर्सा। इस साइकिल को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, किसी भी पावर प्लांट में जहां पे वर्किंग फ्लूइड अपना फेज को चेंज करता है। द रंकायन साइकिल इज अ मैकेनिकल साइकिल कॉमनली यूज्ड इन पावर प्लांट टू कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान रखना है प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है थ्रू स्टीम टर्बाइन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इसका वर्किंग है। रंकायन साइकिल मेजर कंपोनेंट इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट है रोटेटिंग स्टीम टर्बाइन, उसके बाद बॉयलर पंप, उसके बाद हम लोग कंडेंसर का यूज करते हैं और बॉयलर का यूज करते हैं। तो रंकायन साइकिल किस लिए यूज करते हैं, ये पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं जहां पे किसी भी वर्किंग फ्लूइड है उसका फेज चेंजिंग जहां पे आता है उसके लिए हम लोग रंकायन साइकिल का यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स का कंपोनेंट होता है, बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर, पंप। तो नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रंकायन साइकिल, के रंकायन साइकिल किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए चार कंपोनेंट लगा हुआ है, दिस इज बॉयलर, दिस इज टर्बाइन, दिस इज कंडेंसर और दिस इज फीड पंप। तो इसका वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे हम क्या लिया, वाटर। जो वर्किंग सब्सटेंस लिखा हुआ है वर्किंग सब्सटेंस हम लोग क्या लिया, वाटर, उसके बाद बॉयलर, स्टीम टर्बाइन और कंडेंसर और पंप। तो यहाँ पे समझना है कि किस तरह से रंकायन साइकिल किसी भी पावर प्लांट के लिए वर्क करता है। तो फर्स्ट है जो यहां से जो वाटर आ रहा है, जो वाटर यहां से आ रहा है हॉट वेल के थ्रू, यहां पे हॉट वेल लगा रहता है, हॉट वेल कुआ जहां पे पानी यहां पे जमा होता है, यहां पे क्या होता है बेल के थ्रू, फीड पंप के थ्रू, यहां फीड पंप लगा हुआ है, ये वाटर क्या करता है, सम्प करता है और बॉयलर में भेजता है, बॉयलर में भेजता है, ठीक है ना। तो बॉयलर का फंक्शन क्या होता है, एज वी नो डेट बॉयलर वाटर को स्टीम में चेंज करता है। तो यहाँ पे जो भी वाटर का पार्टिकल्स होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा, वो कहाँ पे चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा। स्टीम में चेंज होने के बाद एक वेरी हाई प्रेशर के साथ कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे टर्बाइन लगा रहता है और यहाँ पे टर्बाइन का ब्लेड लगा हुआ रहता है। एक क्या हो गया, टर्बाइन का ब्लेड लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे जाए क्या करता है, वेरी हाई प्रेशर एंड वेलोसिटी के साथ टर्बाइन के ब्लेड पे क्या करता है, जाके स्ट्राइक करता है। जब स्ट्राइक करता है उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, जनरेटर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जनरेटर के साथ रोटर के साथ कपल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। और जो रेस्ट वाटर पार्टिकल्स जो बच गया वो फिर से कंडेंसर में आ जाता है, जो भी आपका स्टीम जो लेफ्ट बच गया वहां पर लिफ्ट स्टीम कंडेंसर के पास आता है, यहाँ पे जो गर्म रहता है वहां पे कूलिंग वाटर आता है और यहाँ पे टेम्परेचर को डाउन करता है, फिर से सेम इस प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रोसेस में क्या है कि पहले फीड पंप के थ्रू वाटर जाता है बॉयलर में, बॉयलर में जब वाटर जाता है तो फिर जब वो यहाँ पे सोर्स देते हैं, इनपुट देते हैं, सोर्स में क्या होता है, हीट हम प्रोड्यूस करते हैं। तो बॉयलर में क्या होता है, वाटर स्टीम में चेंज होता है, फिर वो स्टीम टर्बाइन के ब्लेड पे जाके टकराता है, जिसके कारण टरबाइन में मूवमेंट आता है और टरबाइन क्या होता है, जनरेटर से कपल रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और जो रेस्ट अमाउंट स्टीम का बच गया फिर से कंडेंसर में आके ठंडा होता है, फिर से प्रोसेस मोस्टली चलते रहता है। हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि फीड पंप, बॉयलर, टर्बाइन और कंडेंसर के केस में क्या इसका डिफरेंट टाइप्स का कंसेप्ट निकलता है।
तो यहाँ पे देखिए पहले है पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम और टीएस डायग्राम, तो दोनों डायग्राम को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्रोसेस थ्री एंड फोर नमक रन कर दिया, 1, 2, 3, 4। तो थ्री और फोर में क्या हो रहा है, द वाटर फ्रॉम द हॉट वेल इज पम्प्ड फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू बॉयलर प्रेशर। जो वाटर यहाँ पे है हॉट वेल के थ्रू कहाँ पे आ रहा है, हीट पंप के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, बॉयलर में जा रहा है। तो यहाँ पे जो ध्यान देना है, जो यहाँ पे जो आपको जो फ्लूड है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है ना, जो फ्लूड है लिक्विड फॉर्म में है। बस थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट पे जो फ्लूड है लिक्विड पॉइंट पॉइंट में है, बाकी जो फ्लूड है वो वेपर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि बॉयलर के केस में क्या होगा, यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में चेंज करता है। अब ग्राफ देख लेते हैं, दिस इज द सेचुरेशन कर्व। सेचुरेशन कर्व क्या होता है, सेचुरेशन कर्व हो गया, तो इस साइड क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, इस साइड क्या होगा, वेपर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, लिक्विड होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। इस तरह सेम इस तरह से, तो यहाँ पे देखना है तो थ्री और फोर केस में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया कि यहाँ पे पंप का काम क्या है, हाई प्रेशर के साथ बॉयलर में ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, थ्री और फोर में प्रेशर विल बी इंक्रीजेड, है ना, प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हॉट वेल से जितना वाटर बाहर निकला वो द्वारा फीट पंप के थ्रू आपको बॉयलर में भेज दिया, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर विल बी इंक्रीज। यहाँ पे पता होना चाहिए आपको कि थ्री और फोर केस में क्या हो रहा है, ये आपका कर्व इस तरह से बन गया, प्रेशर विल बी इंक्रीजेज फ्रॉम पॉइंट थ्री टू फोर, थ्री एंड फोर के बीच में क्या है, फीट पंप है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बॉयलर केस में, तो बॉयलर केस में क्या आ रहा है, द वाटर इज हीटेड। बॉयलर में क्या, प्रोसेस फोर एंड वन में जा रहे हैं, फोर और वन के बीच में क्या है, बॉयलर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द वाटर इज हीटेड अप टू सेचुरेशन टेम्परेचर। जो वाटर है सेचुरेशन टेम्परेचर में, सेचुरेशन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, सेचुरेशन टेम्परेचर का हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पे वाटर में बॉइलिंग आना स्टार्ट हो जाए, मतलब वाटर स्टीम में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर। इसको हम टीएस से डिनोट करते थे, हम लोग इसे पढ़ चुके हैं पहले, अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो दोबारा जाके उस वीडियो को देखिए। द वाटर इज हीटेड अप टू सेचुरेशन टेम्परेचर, कहां से, 4 to 4 days ड्यूरिंग प्रोसेस 4 days। यहाँ पे क्या है, एक ग्राफ हमको पहले से बना हुआ था किसके लिए, फीट पंप के लिए। अब क्या है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक क्या हो गया लाइन, कांस्टेंट प्रेशर का लाइन हो गया, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यहाँ 4 days, और 4 days क्या हो गया, 4 days का मतलब क्या हो गया कि आपका जो स्टीम है वेट है, स्टीम इज वेट, और जहां पे डबल डैश लगा हुआ है, ये ध्यान रखा डैश लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया स्टीम इज सुपर हीटेड, स्टीम इज सुपर हीटेड बल्ब, और वन डैश का मतलब क्या हो गया, वेट, क्योंकि जो आपका सेचुरेशन कर्व है, सेचुरेशन जो कर्व है इसको पहले ध्यान से समझ लीजिए, सेचुरेशन जो आपका जो कर्व है, एक कर्व में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर फेज में है, यहाँ पे वेपर फेज में है, यहाँ पे सॉलिड फेज में है, तो वन डैश का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विड भी है ना, तो इसका मतलब ए वन डैश आपको वेट स्टीम को डिनोट करेगा, और वन डबल डैश को क्या डिनोट करेगा, सुपर हीटेड स्टीम को डिनोट करेगा। ये चीज आपको ध्यान में पता होना चाहिए, क्या डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ हीट स्लाइड कन्वर्टेड इनटू बेट स्टीम। हाँ, तो वन डैश मतलब आपको बेट स्टीम है ना, और ड्राई सेचुरेटेड स्टीम क्या हो गया वन, और सुपर हीटेड के लिए वन डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि वन के लिए क्या हो गया, वन डैश के लिए क्या हो गया, और वन डबल डैश के लिए हम लोग क्या यूज किया है। तो वन के लिए क्या यूज किया हम लोग, जब स्टीम ड्राई सेचुरेटेड हो, और वन डैश के लिए बेट स्टीम, और वन डबल डैश के लिए सुपर हीटेड स्टीम के लिए हम लोग यूज किए थे। ये चीज पता होना चाहिए। इसी तरह से टीएस डायग्राम देख लेते हैं। टीएस डायग्राम में क्या है, ये तो आपका था थ्री से फोर के लिए, जो थ्री से फोर है किसके लिए था, फीट पंप के लिए था। अब यहाँ पे कर्व इंक्लाइन हो गया है, फोर टू फोर डैश, फोर डैश किसके लिए है, बेट स्टीम के लिए है, जहाँ पे सिंगल डैश बेट के लिए, जहाँ पे डबल डैश सुपर हीटेड स्टीम के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ गया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट मीन्स
लेटेंट हीट एंड वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट में क्या होता था, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओनली फेज चेंज। द फोर से फोर डैश में क्या हो रहा है, फोर डैश से फोर वन डैश या वन डैश में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है कि आपको जो वाटर है स्टीम में चेंज हो गया इन द केस ऑफ बॉयलर। अगर वन डैश की बात करते हैं तो बेट स्टीम के लिए, वन के लिए ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए, और वन डैश लगा हुआ है तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए। आप सिंपल ही बना सकते हैं, अगर डैश का यूज नहीं करें तो एक सिंपल ग्राफ भी आप बना सकते हैं। आपका नेक्स्ट है इन द केस ऑफ टर्बाइन, टर्बाइन केस में क्या है वन एंड टू, तो वन एंड टू में क्या हो रहा है, स्टीम किस फॉर्म में रहेगा, स्टीम कहां पे इंटर कर रहा है, टर्बाइन पे, है ना। वेयर इट एक्सपैंड आइसेंट्रोपिकली, आइसेंट्रोपिकली का मतलब क्या हो गया, यहां पे टर्म है आइसेंट्रोपिकली, आइसेंट्रोपिकली का मतलब हो गया एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है टू कंडेंसर प्रेशर टू। अब जब यहां पे कर्व आ गया तो यहां पे क्या है, आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज क्यों कर रहा है, कि कुछ पार्ट जो स्टीम का था वो टर्बाइन में चला गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का उसका मूव ब्लेड मूव किया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। जो रेस्ट पार्ट बच गया वो फिर से दोबारा कंडेंसर में आके ठंडा होगा, फिर से प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम घट गया, प्रेशर घट गया, तो यहाँ पे क्या रहा है फिर, और यहाँ पे बेसिकली क्या समझना आपको, एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस इज द कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, वेयर टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेज, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मीडियम वन एंड टू में है, स्टीम का फॉर्म में है, लेकिन वहां पे मीडियम क्या हो जाएगा, कूलिंग करेगा वो, ठीक है। तो आपको सफिक्स जरूर ध्यान रखना है कि वन हो गया ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए, वन डैश हो गया बेट के लिए, और वन डबल डैश हो गया सुपर हीटेड के लिए। इसी तरह से टू है तो टू क्या हो गया, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, टू डैश क्या हो गया, बेट स्टीम, टू डबल डैश क्या हो गया, सुपर हीटेड स्टीम। तो ध्यान रखना है कि प्रोसेस वन एंड टू में क्या हो रहा है, स्टीम टर्बाइन में इंटर कर रहा और एक्सपेंड कर रहा है आइसेंट्रोपिकली। नेक्स्ट है प्रोसेस टू एंड थ्री, जो लास्ट है प्रोसेस टू एंड थ्री में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। द एग्जॉस्टेड स्टीम, एग्जॉस्टेड मतलब बचा हुआ स्टीम, जो स्टीम आपको एग्जॉस्ट कर गया, इज कंडेंस कंप्लीटली इन ए कंडेंसर। कंडेंस करेगा मतलब क्या होगा, कूलिंग करेगा, मतलब इसका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस केस में क्या हो रहा है, प्रेशर भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो इस लाइन को हमको थ्री से मिला देना है, तो ये लाइन आपको मिल गया, है ना। इससे पहले तो हम लोग लास्ट तक देख चुके हैं, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन और दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, और फिर से दोबारा ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो ये आपका था वर्किंग ऑफ रंकायन साइकिल, जिसको हम पावर प्लांट में यूज करते हैं, जहां पे फेज में चेंजिंग आता है। तो यहाँ पे फेज में चेंजिंग आ गया था, है ना, बेट स्टीम पी है, ड्राई स्टीम पी है, सुपर हीटेड स्टीम पी है। इसका समराइज हम लोग देख लेते हैं कि इकट्ठा हम लोग क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो देखिए थ्री से फोर में क्या हो रहा था, थ्री और फोर प्रोसेस किसके लिए था, ये प्रोसेस हो रहा था फीड पंप के लिए था, ये प्रोसेस किसके लिए था, फीड पंप के लिए था। ये ध्यान रखना है प्रोसेस में हुआ क्या, कौन सा क्या कांस्टेंट रहा, क्या कौन सा कांस्टेंट नहीं रहा, ये सब आपको ध्यान रखना, किस तरह से इसका ग्राफ बना। उस तरह फोर से वन प्रोसेस किसके लिए था, ये प्रोसेस हम लोग बॉयलर के लिए यूज किया है ना। बॉयलर में क्या हो रहा था कि वाटर स्टीम में चेंजिंग हो रहा था, अगर बेट स्टीम हो उसको हम वन डैश से डिनोट करते थे, अगर ड्राइएस्ट सेचुरेटेड स्टीम हो तो वन से डिनोट करते थे, और सुपर हीटेड स्टीम हो तो वन डबल डैश से यूज करते थे। उसी तरह से प्रोसेस वन टू था, तो वन टू प्रोसेस के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, वन टू प्रोसेस के लिए क्या यूज कर रहे थे हम लोग, टर्बाइन के लिए यूज कर रहे थे ना। तो स्टीम जो स्टीम था वो वाटर टर्बाइन पे जाके स्ट्राइक करता था, टर्बाइन के ब्लेड पे, जिसके कारण उसमें एंट्रोपी का ड्रॉप होता था, एंट्रोपी वहां पे एक्सपेंड करता था, है ना। तो वहां पे एंट्रोपी क्या होता था, कॉन्स्टेंट होता था। यहाँ पे क्या था, एंट्रोपी, एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंट, और टू से थ्री किसके लिए था, ये प्रोसेस किसके लिए था, कंडेंसर के लिए था। कंडेंसर के केस में क्या हो रहा था, प्रेशर भी कांस्टेंट हो रहा था और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो रहा था। तो ये प्रोसेस है
फीड पंप के लिए, बॉयलर के लिए, टरबाइन के लिए और कंडेंसर के लिए प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस पता है तो आराम से इसका वर्किंग निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को आपको समझना। नेक्स्ट क्या है आपका, ये तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हो रहा है और बर्गडन बाय टर्बाइन क्या हो रहा है ना। तो बर्गडन बाय पंप, पंप और टर्बाइन के बीच में क्या हो रहा है, बर्गडन हो रहा है। और बॉयलर और कंडेंसर के बीच में क्या हो रहा है, हीट सप्लाइड हो रहा है और हीट सिंक हो रहा है। तो डब्ल्यू पी का मतलब क्या हो गया, ये बर्गडन बाय पंप। तो बर्गडन पंप को देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एच एफ फोर माइनस एच एफ थ्री, इस चीज को ध्यान देना आपको, फॉर्मूला को अगर फॉर्मूला पता नहीं चलेगा तो आपको नेक्स्ट एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं। एच एफ फोर, अब बताइए कि आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे एच एफ क्यों लगाए, तो एच का मतलब तो आपको पता होगा, एच क्या होता है, एच फोर इंथैल्पी। बर्गडन एक्चुअली क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी है ना। एफ एच एच एफ फोर, एफ क्यों हो गया, एफ हम किसके लिए यूज किए हैं, लिक्विड मीडियम के लिए। तो आप लोग को हम लोग फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपको कि जो एफ है, एफ हम लिक्विड के यूज करेंगे, तो लिक्विड फेज कहाँ पे है, तो लिक्विड तो फेज यहीं पे ना सिर्फ है, यहाँ से जब पंप हीट पंप के थ्रू बॉयलर में जा रहा है तो यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वाटर कौन सा फेज में है, लिक्विड फेज में है। तो लिक्विड फेज जहाँ पे रहेगा वहां पे हम एफ का यूज, सफिक्स का यूज करेंगे, मतलब लेटेंट हीट, जो हो गया बर्गडन बाय पंप। अब यहाँ पे है, अब देख लेते हैं बर्गडन बाय टरबाइन, ये क्या है, बर्गडन बाय टरबाइन। तो बर्गडन बाय टरबाइन क्या रहा है, एच वन माइनस एच टू। अब बताइए एच वन माइनस एच टू क्यों होगा, आप बोल सकते थे कि एच टू माइनस एच वन हो सकता है, लेकिन एच वन बाई एच टू इसलिए होगा कि वन पॉइंट पे वर्किंग फ्लूड का एंथैल्पी का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा में से कम को माइनस किए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है स्टीम का, इसलिए माइनस मैक्सिमम से माइनस को माइनस किया है। अब देखिए बॉयलर में क्या हो रहा है, हम लोग हीट को सोर्स दे रहे हैं, तो हीट सप्लाइड इन बॉयलर, हीट सप्लाइड इन बॉयलर क्या रहा है, एच वन माइनस एच एफ फोर, फिर एच एफ फोर आ गया, एफ आ गया, मतलब यहां पे क्या है, एच वन का मतलब हो गया एंथैल्पी एट दैट पॉइंट, हो गया एच एफ टू एच टू, ये हो गया एच एफ थ्री, और यहाँ पे क्या हो गया एच एफ फोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच वन माइनस एच फोर एच एफ फोर, तो एच एफ फोर किसके लिए आ गया, जब वर्किंग सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में हो तो हम वहां पे सफिक्स क्या लगाया, एफ लगाया। अब नेक्स्ट है क्यू सी, क्यू सी को हम लिख सकते हैं हीट सप्लाइड थ्रू कंडेंसर। कंडेंसर के केस में क्या है, एच टू माइनस एच थ्री एच एफ थ्री नॉट एच थ्री, किसी किसी बुक में आपको एच थ्री लिखा रहेगा, लेकिन आप क्लियर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एफ कहाँ पे लगा रहे हैं, जहां पे जो उसका जो फेज है वर्किंग सब्सटेंस का लिक्विड है एच एफ थ्री। तो आपको ये चार फॉर्मूला जो मिला है इसके थ्रू आपको हम इफिशियंसी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि रंकायन साइकिल का इफिशियंसी क्या होता है। देखिए यहां पे है इफिशियंसी ऑफ रंकायन साइकिल क्या हो जाएगा, ये चार फॉर्मूला तो हम लोग को पहले से पता है, लास्ट स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। अब नेट बर्गडन क्या हो जाएगा, नेट बर्गडन हम क्या निकाल सकते हैं, बर्गडन बाय टरबाइन माइनस बर्गडन बाय पंप। इट मींस नेट बर्गडन रंकायन साइकिल में क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ बर्गडन बाय टरबाइन एंड बर्गडन बाय पंप, दोनों का डिफरेंस करेंगे बर्गडन में तो मेरा नेट बर्गडन इस साइकिल का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इफिशियंसी क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी, एनआर से हम डिनोट किए हैं इफिशियंसी ऑफ रंकायन साइकिल, एज वी नो दैट इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट बाई इनपुट है ना। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट, इनपुट हम कहाँ पे दे रहे हैं, इनपुट तो हमारा बॉयलर के केस में हो रहा है ना,
सोर्स तो हम यहीं पे प्रोड्यूस करते थे, जब हीट सोर्स वाटर को स्टीम में जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट वाई इनपुट। तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, वर्क डन, आउटपुट तो वर्क डन हो जाएगा, और इनपुट क्या हो गया, यहाँ पे हम हीट को सोर्स दिए, मतलब क्यूबी, क्यूबी इज कॉल्ड हीट सप्लाइड इन बॉयलर। तो नेट वर्क डन क्या था यहाँ पे, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई क्यूबी। क्यूबी क्या है, हीट सप्लाइड इन द बॉयलर। जो फॉर्मूला आया था डब्ल्यू टी का फॉर्मूला क्या आया, एच वन माइनस एच टू, है ना, एच वन माइनस एच टू, ये डब्ल्यू टी का फॉर्मूला आया था यहाँ से। इसी तरह से डब्ल्यू पी का फॉर्मूला क्या आया, वर्क डन बाय पंप, एच एफ फोर माइनस एच थ्री डिवाइडेड बाई में क्यूबी। क्यूबी क्या था, हीट सप्लाइड इन द केस ऑफ बॉयलर, एच वन माइनस एच एफ फोर। अगर अगर हम लोग क्या करें, जो आपका एफिशिएंसी है पंप का, जो एफिशिएंसी है पंप का, उसको अगर हम नेग्लिजिबल मान ले, तो हमको देखना है कि प्रोसेस में क्या आता है। हमारा बगडन कितना आया था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया था एच वन माइनस एच टू माइनस एच ए फोर माइनस एच थ्री डिवाइडेड बाय में एच वन माइनस एच फोर। इफ किसका फॉर्मूला आ गया था अपने को, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, इफ बगडन बाय पाइप इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब बहुत स्मॉल, इक्वल टू जीरो, एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल क्या आ जाएगा, एच वन माइनस एच टू डिवाइडेड बाय में एच वन माइनस एच, यहाँ पे एच एफ फोर था, एच एफ फोर। ये फॉर्मूला क्या आ गया, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल व्हेन पंप वर्क डन इज नेग्लिजिबल। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि रैंकाइन साइकिल क्या होता है, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, और टरबाइन बॉयलर कंडेंसर पंप के लिए क्या कौन कौन सा इक्वेशन प्राप्त किए हैं, इसका वर्क डन क्या हो गया, हीट सोर्स कहाँ पे दे रहे हैं, हीट सिंक कहाँ पे हो रहा है, और एफिशिएंसी क्या हो रहा है।